जय मामे। हेलो फ्रेंड्स, लोधी रेसिपी में आप सभी का बहुत स्वागत है। आप सभी को फादर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं अपने पापा के बारे में दो लाइन कहना चाहती हूँ कि पिता की मौजूदगी सूरज की तरह होती है। सूरज गर्म जरूर होता है, लेकिन अगर ना हो तो अंधेरा छा जाता है। हम सभी के पापा भी कुछ इसी तरह के होते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे पापा को गुलगुला बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मैं अपने पापा का फेवरेट गुलगुला बनाने जा रही हूँ। तो ये वीडियो मैं अपने पापा को डेडिकेट करती हूँ। जब मैं अपने पापा के यहाँ जाऊँगी तो उन्हें यह गुलगुला बनाकर खिलाऊंगी। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे गुलगुले बनते हैं। यदि आप इस तरीके से गुलगुले बनाएंगे तो आपके गुलगुले बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सरल होता है और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। तो देखिए, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और फूले फूले गुलगुले बनकर तैयार हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं गुलगुला बनाना। तो मैंने एक ये गहरा बर्तन लिया है और इसमें मैंने आधा लीटर दूध को अच्छी तरह से पका लिया है। जब दूध अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाए तो मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया, और जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तो उसके बाद मैंने इसमें आटा डाला है। तो गेहूं के आटे का मैंने इस्तेमाल किया है। तो ये मैंने 100 से 150 ग्राम के करीब मैंने गेहूँ का आटा इसमें डाला है, और इसे डाल करके हम इसे मिक्स कर देते हैं। दूध को जब मैं उबालती रही हूँ तो उसमें मैंने चीनी पहले सेट कर दी है, तो इसमें मैंने चीनी ऊपर से नहीं डाला है। दूध में ही हमारी चीनी मिक्स है। तो बस इसे आप थोड़ा सा चम्मच की सहायता से चला देते हैं, और इसमें मैंने ज़्यादा मसाले ऐड नहीं किए हैं, बस हल्के फुल्के ही इसमें मैंने मसाले डाले हैं। तो ये मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में नारियल को कट कर ली है, और इसे हम डाल देते हैं। और ये है चिरौंजी के कुछ दाने, तो इसे भी मैं इसमें डाल देती हूँ। और इसमें मैंने थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाला है। बेकिंग सोडा से गुलगुले बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो बस मैंने आधा चम्मच के करीब इसमें बेकिंग सोडा डाला है, और इसमें मैंने आधी चम्मच के करीब इलायची, कुटी हुई इलायची डाली है। आप चाहें तो इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। यदि हमें बेटर थोड़ा सा गाढ़ा लगे तो हम इसमें थोड़ा सा दूध भी डाल सकते हैं। तो अभी इसे थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं। तो मुझे थोड़ा बेटर गाढ़ा लगा है, तो मैंने इसमें आधा गिलास के करीब दूध ऐड किया है। बेटर को ज़्यादा पतला नहीं करना है, इसे थोड़ा सा गाढ़ा ही रहना देना है, तभी गुलगुले बहुत ही अच्छे बनते हैं। अब चलिए इसे हम अच्छी तरह से फेंट देते हैं। तो फेंटना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। यदि आपके पास समय कम है तो आप इसे अच्छी तरह से फेंट करके और गुलगुले तैयार कर सकते हैं, और यदि आपके पास समय ज़्यादा है तो आप इसे आधे घंटे के लिए और ढककर रख सकते हैं। हल्का सा आप इसे फेंटिए और आधे घंटे के लिए इसे ढककर आप रख सकते हैं, और उसके बाद आप गुलगुले तैयार कर सकते हैं। तो बस मैंने इसे थोड़ा सा फेंट दिया है, और इसे अब मैंने 15 मिनट के लिए ढककर रख दिया है। उसके बाद मैं इसके गुलगुले तैयार करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, 15 मिनट हो चुके हैं और बेटर बहुत ही अच्छा कंप्लीट तैयार हुआ है। अब चलिए, गैस पर मैंने पहले से कढ़ाई चढ़ा रखी है और तेल हमारा गर्म हो चुका है। तो चलिए चेक कर लेती हूँ कि तेल हमारा कितना गर्म हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें चेक करना है, तो मतलब तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म है। अब चलिए मैं चम्मच की सहायता से गुलगुले तैयार कर लेती हूँ। आप चाहें तो हाथों की सहायता से भी गुलगुले तैयार कर सकते हैं, बट मैंने चम्मच की सहायता से गुलगुले निकाले हैं। तो देखिए, बस थोड़ा थोड़ा हम इसमें घोल डालते जाएंगे, और थोड़ा थोड़ा हल्का सा डिस्टेंस रखेंगे, और बस थोड़ा थोड़ा सा घोल डालते जाएंगे, और देखिए हमारे अच्छे फूले फूले गुलगुले बनकर तैयार होते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा सरल होता है और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट रेसिपी है। तो मेरे पापा को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जब मैं अपने पापा के यहाँ जाती हूँ तो उन्हें ये बनाकर ज़रूर खिलाती हूँ। तो बस इस तरह से हम इसे आप हल्का उलट पलट करके और अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसे हल्का हल्का पलटा देंगे। देखिए, वैसे फूले फूले गुलगुले हमारे बनकर तैयार हुए हैं, तो ये पलटने में भी थोड़ा सा टाइम लगाते हैं। तो बस इस तरह से चम्मच से दबाते हुए हम इन्हें अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा सरल होता है, आप ज़रूर बनाकर फ्राई कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे गुलगुले बनकर तैयार हो गए हैं, और इस तरह से हम इसका तेल अच्छी तरह से निकाल लेंगे और इसे एक पेपर पर रखते जाएंगे, तो जो भी एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाएगा। तो चलिए, अब हम इसी तरह से सारे गुलगुले बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो बस तेल को हमें मीडियम ही रखना है, और बड़ी सावधानी से चम्मच से डालते हुए हमें गुलगुले निकालने हैं। तो बहुत ही सरल होता है, आप आराम से इसे निकाल सकते हैं। तो चलिए, मैं अब सारे गुलगुले इसी तरीके से निकाल कर तैयार कर लेती हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे सॉफ्ट नरम गुलगुले बनकर तैयार हो गए हैं, और देखिए बहुत ही ज़्यादा स्पंजी बने हैं, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बने हैं। तो
फ्रेंड्स, आज आपको ये रेसिपी कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जल्द मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।